हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बात तो आप मानेंगे कि पूरी दुनिया में शादी अकेला ऐसा लड्डू है जिसे खाओगे तो पछताओगे और ना खाओगे तो और भी ज्यादा पछताओगे भाई। इसीलिए लोग इसको खाकर पछताना सही समझते हैं और निकल लेते हैं घोड़ी चढ़ने, ये सोचकर कि आज तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। लेकिन शादी ब्याह में सब कुछ ठीक हो ऐसा नहीं हो सकता। फिर चाहे वो बारातियों का डांस हो या फिर रिश्तेदारों की नोक झोंक, और कई बार तो दूल्हा दुल्हन ही आपस में भिड़ जाते हैं। पर एक बात पक्की है कि वीडियो में चाहे जो कुछ भी हो लेकिन आपके चेहरे से हंसी गायब नहीं होगी। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हाँ बिल्कुल मत भूलें, कोई कंजूसी नहीं, दबा दीजिए बेल आइकन को। चलिए तो अब वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, हमें पता है कि शादी ब्याह में सबसे ज्यादा दुख दुल्हन की माँ को होता है जिन्हें अपने जुगर के टुकड़े को किसी और के घर भेजना होता है। लेकिन यहाँ पर इनसे अपना दुख संभाला नहीं गया और डायरेक्ट दुल्हन को लेकर जमीन पर गिर पड़ी। दोस्तों आप जरा इन दीदी को भी देख लीजिए जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो सारा भांग धतूरा यही खाकर बैठी है, क्योंकि इनके पीछे जैसी हल्की सी आवाज होती ना ये डर कर गिर जाती हैं। और इनके डरने का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि जैसे ही माला पहनाने के बाद ये दोनों फोटो खिंचवाने के लिए खड़े होते हैं तो दोबारा से आवाज सुनकर ये डर जाती है। और इस बार जो ये डरी है ना उसका तो हम क्या ही बताएं यार। बेचारा दूल्हा भी खड़ा खड़ा सोच रहा होगा कि ना जाने कौन सी डरपोक लड़की मेरे मत्थे मर गई। दोस्तों आप लोगों ने एक से बढ़कर एक दूल्हे देखे होंगे, लेकिन ये जनाब तो माइकल जैक्सन के दूर के रिश्तेदार लग रहे हैं। इन्होंने अपनी शादी में पागलों की तरह नाचना शुरू कर दिया। इतना भयानक डांस था कि आसपास खड़े रिश्तेदार तो हैरान हो गए, लेकिन सबसे चौंकाने वाला एक्सप्रेशन दुल्हन का था जो मन ही मन सोच रही थी कि हे भगवान किस पागल से पाला पड़ गया मेरा। दोस्तों डांस करने का ये तरीका तो कतई जहर है, मतलब इन जनाब ने तो अपने पैरों के अंदर ही कुर्सी फंसा ली और चल पड़े प्रभु देवा बनने के लिए। और इस लड़के का डांस देखकर तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये डांस कर रहे हैं या जमीन की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि जमीन पर इतना रगड़ कर तो भैया बस सफाई की जा सकती है। वैसे दोस्तों डांस करने में ये दादी अम्मा भी कम नहीं है, मतलब इनका डांस देखकर तो इंसान माधुरी दीक्षित को भूल जाए। इस उम्र में अम्मा के ये लटके झटके देखकर एक बात तो साफ हो गई कि जवानी में इन अम्मा ने कईयों को घायल किया होगा। दोस्तों शादी के बाद मियां बीवी का लड़ना आम बात होती है, लेकिन यहाँ पर तो ये दोनों स्टेज पर ही शुरू हो गए। और देखिए तो कैसे एक दूसरे को माला पहनाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। मतलब अपनी शादी का छीछा लेदर करना किसको कहते हैं वो आप इन दोनों को देखकर सीख सकते हैं। क्या वो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। दोस्तों दूल्हे राजा ने यहाँ पर तो ठरकी बनगी सारी हदें पार कर दी, क्योंकि इनका हाल वही था कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, तभी तो माला दुल्हन को पहनाने के बजाय बगल में घड़ी सहेली को पहना बैठे और बाद में ऐसे भोले बन रहे मानो गलती से कर दिया इन्होंने। अब आप इन भाई साहब को देखिए, मतलब इनकी शादी हो रही है और हर कोई सज धज कर इनको बधाइयां देने के लिए आया, यहाँ तक कि दुल्हन भी बेचारी 16 श्रृंगार करके बगल में बैठी हुई है। लेकिन इन्हें इन सब चीजों से काहे का मतलब भाई, इन्हें तो पबजी में विनर विनर चिकन डिनर करना है, तभी तो अपनी शादी के टाइम भी इनको पबजी का साथ नहीं छोड़ा जा रहा। वाकई में इसको कहते हैं असली पबजी लवर। दोस्तों इस वीडियो को देखकर तो हम क्या ही कहें यार, क्योंकि इस शख्स के अंदर अपनी बीवी का खौफ इतना ज्यादा था कि उसके माला डालते ही इनकी पैंट उतर गई और भरी सभा में इनकी जो बुरी बेइज्जती हुई है ना उसका तो हम आपको बता भी नहीं सकते। वैसे इन दूल्हे राजा का भी बढ़िया था, मतलब कि सूट बूट पहनकर शादी तो करने चले थे लेकिन जेब बंद करना भूल गए। इस हरकत के बाद तो बेचारी दुल्हन भी पक्का सोच रही होगी कि किस उल्लू के पट्टे से शादी करने जा रही हूँ।
अब दोस्तों आप जरा इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर दूल्हा दुल्हन बस एक दूसरे को माला पहनाने ही वाले हैं, लेकिन इस रस्म के पहले से ही दुल्हन साहिबा का मुंह थोड़ा सा लटका हुआ है। खैर थकान की वजह से हो सकता है, लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब दूल्हे का दोस्त आकर उसे उठा लेता है और दुल्हन उस तक पहुँच नहीं पाती, और तब ये भाई साहब आते हैं और दुल्हन को ऊपर उठा लेते हैं। अब इन्होंने तो अच्छा ही दिखाने के नाते दुल्हन को उठाया था, लेकिन जैसे ही ये जयमाला की रस्म पूरी होती है वैसे ही दुल्हन नीचे उतरती है और इन भाई साहब को एक जोर का थप्पड़ लगा देती है। अब ये भी खिसियाए हुए थे तो कहीं तो खंबा नोचना ही था ना, इसीलिए बगल में खड़ी महिला को कान के नीचे बजा देते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखकर तो यही लग रहा है कि हमारी आंखें धोखा खा रही हैं। हाँ हम मानते हैं कि शादी ब्याह में दुल्हन शर्मा जाती हैं, लेकिन ये मैडम तो अलग ही लेवल की निकली। जहाँ दूल्हे के माला पहनाने के बाद जब इनकी माला पहनाने की बारी आई तो ये हर बार दूल्हे के सहरे पर ही माला डालकर हाथ हटा लेती थी। फोटोग्राफर को तो प्रॉपर फोटो चाहिए थी, इसलिए वो बार बार दुल्हन से सही तरीके से माला पहनाने के लिए कह रहा था और ये बार बार वही गलती दोहरा रही थी। और अंत में तो दूल्हे का गुस्सा इतना हो गया कि माला को उठाकर फेंक दिया। अब जाहिर सी बात है यार कि किसी के साथ भी इस तरह की बेवकूफी की जाएगी तो कोई भी गुस्सा करेगा। जली ना, तेरी भी जली ना। आपने एक से बढ़कर एक शादियां देखी होंगी, लेकिन इससे ज्यादा बेमन वाली शादी आपने कभी नहीं देखी होगी। मतलब सारी रस्में ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन दूल्हे महाराज एक अलग ही अकड़ में खड़े थे। इस वजह से दुल्हन ने भी ज्यादा भाव देना जरूरी नहीं समझा और इनके गले में ऐसे ही माला डाल दी। अब इस बात से लड़का कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया, तभी तो उसने दुल्हन के गले में माला डालने के बजाय उसे निशाना लगाकर फेंक दिया। और हद तो तब हो गई जब मिठाई खिलाने के नाम पर ये दुल्हन के मुंह में मिठाई सूंघ रहे थे। अब इनकी इतनी ये तूतू में देखकर एक बात तो लग रही है कि इन्होंने दो दिन के अंदर ही कोई तलाक लेने के लिए वकील ढूंढ लिया होगा, क्योंकि इस तरह तो ये लोग साथ में नहीं रह पाएंगे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। लेकिन आप हमारा साथ कभी मत छोड़िएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से इसको लाइक कर दें और दोस्तों यारों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।